नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक और आईआईटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हर बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाएंगे, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं आप अपना जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहां से जो आपका पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है, आप सभी लोगों को दिख जाएगा यहां से, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो दोस्तों, जो आपकी एम्पियर होती है उससे आपका करंट नापा जाता है। तो यहां से जो राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर एक करंट, एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहां से दिख जाएगा, निम्नलिखित से कौन सा वेक्टर मात्रा है। तो दोस्तों, यहां से जो आपका वेक्टर मात्रक होता है आप सभी लोगों को दिख जाएगा, यहां से जो बल होता है इसका वेक्टर मात्रा होता है। तो यहां से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों, यहां से जो आपका द्रव्यमान होता है यह आपका सदिश राशि नहीं होती है, यह एक अदिश राशि होती है, इसलिए आपका यहां से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों, यहां से सारे जो आपको ऑप्शन में दिए हैं ये सारे सदिश राशि होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोग को ध्यान में रख कर चलना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को ध्यान में रख के चलना है दोस्तों। अदिश राशि है तो दोस्तों, यहाँ से आपको अदिश राशि बताना है, तो आपको जो ऊर्जा होती है या अदिश राशि होती है, इसलिए जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यहां से एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो दोस्तों, यहां से जो आपकी संवेग है यह सदिश राशि है, बाकी यहां से अदिश राशि है, तो इसलिए राइट आंसर आपका संवेग एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी पॉलिटेक्निक में कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी 2022 में 100% इससे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ से दिख जाएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका द्रव्यमान होता है या भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। रॉकेट के किस सिद्धांत का कार्य करता है। तो दोस्तों, जो आपका रॉकेट होता है वो आपके संवेग संरक्षण के नियम पर, सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, जो आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है, इसका प्रतिपादन यहाँ से न्यूटन ने किया था, जिसे यहाँ से फिजिक्स का जनक भी न्यूटन को कहा जाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूटन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पास्कल इकाई है। तो दोस्तों, जो आपकी पास्कल है वह दाब की इकाई है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए जो राइट आंसर आप सभी को तैयार करके जाना है, यहाँ से पास्कल दाब की इकाई है, इसलिए राइट आंसर आपको इसको ध्यान में रख के जाना है दोस्तों। क्यूसेक से क्या नापा जाता है। तो दोस्तों, जो आपका क्यूसेक होता है उससे जल के बहाव को मापा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका स्टील होता है यह सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ का ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पॉलिटेक्निक और आईआईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, 100% यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती से केंद्र की ओर खींचा चला आता है। तो दोस्तों, जो आपका यहाँ से दिख जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं, जिसे आपको आपको पता चल जाएगा, इसलिए राइट आंसर यहाँ का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। तो दोस्तों, यहां से जो आपका 1/6 भाग होता है या नज़दीक होता है, इसलिए राइट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आर्कमिडीज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो आपका पलवन का नियम होता है इससे संबंधित होता है आपका आर्कमिडीज का सिद्धांत, इसलिए राइट आंसर यहां से आपको ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में बहुत बार आईआईटी और पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चनों को तैयार करके जाना है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
श्यानता की इकाई है। तो दोस्तों जो आपकी श्यानता होती है उसकी इकाई यहाँ से पॉइज हो जाएगी, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा होगा, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दोस्तों जो दूध से क्रीम निकालते हैं उस समय आपका अपकेंद्रीय बल लगता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों जो आपकी चाबी भरी गाड़ी होती है, छोटे बच्चों के खिलौने जिसे यूज करते हैं, उसमें आपके स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, इसलिए राइट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों जो आपके सूर्य की ऊर्जा होती है वह आपके नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, इसलिए राइट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको तैयार करके जाना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वह भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। दोस्तों वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो दोस्तों जो आपका घनत्व होता है, इस कारण से जो आपके वायुमंडल में बादल हैं वह तैरते हैं, इसलिए राइट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित होता है? तो दोस्तों यदि आप वस्तु की मात्रा को बदल दे दें तो वहां से जो आपका घनत्व होता है वह अपवर्तित हो जाता है, इसलिए राइट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी घनत्व एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद यहाँ से जो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको करवाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को वायु में खुला छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता? तो दोस्तों जो यहाँ से रेत होती है इसे आप वायु में कितना भी खुला छोड़ दें जो इसका संक्षारण होता है वह नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दो परमाणुओं के बीच बने घनत्व के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो दोस्तों यहां से आबंध ऊर्जा इसे कहते हैं, इसलिए राइट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर दो एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि आबंध ऊर्जा यहां से एकदम सही आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक मोल पदार्थ के जलने से उत्पन्न ऊष्मा को कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ से जो दहन की ऊष्मा होती है इसको कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर के रूप में यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों H2+Cl2=2HCl का कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों जो आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसको कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसको भी तैयार करके जाना है। दोस्तों किसी वैद्युत अपघटन से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो कि आपकी यहाँ से आयनों के कारण ऐसा होता है, इसलिए राइट आंसर के रूप में आपका आयन एकदम करेक्ट, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनकर उसके संक्षारण को रोका जा सकता है? इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों को स्टेनलेस स्टील दिख रही होगी, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अधिकारिकों एवं सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं? यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग को ऑप्शन नंबर बी में संक्रियण ऊर्जा दिख रही होगी, यही राइट आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं तो 100% आप गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन पाएंगे और जो आपकी रैंक है वो 100% अप्रूव होगी और जो आपके नंबर हैं दोस्तों यदि आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 200+ आपके 100% निश्चित है। यदि IIT का एग्जाम दे रहे हैं तो जो 75 नंबर में से आपके 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 100% 35 से 40 क्वेश्चन आराम से यहां से कर सकते हैं, यदि सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं। दोस्तों 2H2+O2=2H2O+483 किलो जूल अभिक्रिया में जूल के गठन की ऊष्मा का मान क्या है? तो दोस्तों यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 241.5 किलो जूल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। किसी पदार्थ के 1/2 मोल को ऑक्सीजन में पूर्ण रूप से जलाने पर 192.5 kg ऊष्मा उन्मुक्त होती है, पदार्थ की दहन ऊष्मा क्या होगी? तो यहाँ से आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा जो कि 192.5 kg यहाँ से निकलता है, तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी H2+Cl2 × 2H2L हो जाएगी, यह आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए तैयार करके जाना है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो दोस्तों जो आपका ऑक्सीकरण होता है वह एनोड पर होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका एनोड
एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लव धातु पर जिंक धातु की परत बैठने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो यह क्रिया होती है वो आपके गैल्वनीकरण कहलाती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। गैल्वेनिक सेल होता है, तो दोस्तों जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए राइट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका वेस्ट नहीं जाएगा, यदि सारे क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे तो 100% आप सिलेक्शन ले लेंगे दोस्तों। शुष्क सेल परिवर्तित करता है, तो जो आपका शुष्क सेल होता है दोस्तों वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं दोस्तों वह आपके एनोड पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। लकड़ी को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर जो आपके चारकोल यहाँ से निर्माण होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पौधों और जानवरों के शरीर में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, जो दोस्तों यहां से आपका बायोमास कहलाता है, इसलिए राइट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा पैदा करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उन्हें ईंधन कहते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी ईंधन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जानवरों का गोबर खेतों में डालने पर उपयोगी क्या होता है? तो दोस्तों जो आपका यह उर्वरक के रूप में काम करते हैं, जिसे देसी खाद भी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट एकदम बी एकदम करेक्ट दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप सभी को दिख जाएगा कि पेट्रोलियम गैस मिश्रण है, तो दोस्तों जो आपकी पेट्रोलियम गैस होती है वह एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे मोस्ट क्वेश्चन BVIP क्वेश्चन आपको मैंने करवाए, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।